अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम शहजाद है, आप देख रहे हैं दी शॉपिंग चैनल। मैं आपके लेके आया हूँ हुआवे का नया मॉडल Y9। इसको Y9 2018 मॉडल भी कहते हैं। चाइना में इसका नाम Enjoy 8 Plus के नाम से लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान में ये Y9 के नाम से लॉन्च किया गया है। इसकी जो प्राइस है पाकिस्तान में 25,000 रुपीज़ है। तो अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ और इसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोज़ अबाउट मोबाइल फोन एंड गैजेट्स। ये Huawei Y9 है, इसको Y9 2018 भी बोलते हैं। चाइना में इसका नाम Enjoy 8 Plus के नाम से है। इसकी जो प्राइस है पाकिस्तान में 25,000 रुपीज़ है। ये मई 2018 में पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। Huawei ने इसमें दो वेरिएंट बनाए हैं। ये Y9 जो है 3GB 32GB वाला मॉडल है। 170 ग्राम इसका जो वेट है। इसकी जो बॉडी डायमेंशन है 157.2, 75.3 और 7.9 mm इसकी थिकनेस है। फ्रंट पे फुल ग्लॉस है और जो इसकी बॉडी है बैक वाली फुल एल्युमिनियम की बनाई गई है। इसका जो डिस्प्ले साइज़ है 5.93 inches है। डिस्प्ले टाइप में IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन है 16 million कलर्स के साथ। 1080x2160 पिक्सल्स के ऐसे डिस्प्ले रेजोल्यूशन है। 407 PPI पिक्सल डेंसिटी है इसकी। इस पर कॉर्नी गोरिल्ला ग्लास नहीं लगाया गया। EMUI 8.0 इस पर लगाया गया है Huawei की तरफ से। इसका जो चिपसेट है हाई सिलिकॉन किरिन 659 है। ऑक्टा कोर 2.36 का प्रोसेसर है कोर्टेक्स C53 और माली का GPU है T830MP2। ये ब्लैक, गोल्ड और ब्लू कलर में अवेलेबल है। वाटर और डस्ट प्रूफ नहीं है ये। जो सेंसर लगाए गए हैं एक्सेलरोमीटर, गायरो, प्रॉक्सिमिटी कॉम्पस, अदर फीचर में वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, AGPS, ग्लोनस रेडियो, वॉइस रिकॉर्डर, ई बुक्स, लाउड स्पीकर है, 3.5 mm का ऑडियो जैक है, एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन विद डेडिकेटेड माइक है, मैसेजिंग में थ्रेड व्यू है, MMS, ईमेल, पुश ईमेल, HTML5 का ब्राउज़र लगाया गया है, फ़ोटो एडिटर है और डॉक्यूमेंट एडिटर भी है इसमें। इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर भी मौजूद है। इसमें दो रियर कैमराज लगाए गए हैं, एक 13 MP का है और एक 2 MP का है, यानी कि ड्यूल रियर कैमरा है। बैक वाले दो कैमरे लगाए गए हैं। इसमें LED फ्लैश लाइट है। कैमरा फीचर्स में ऑटो फोकस है इसका कैमरा, और इसमें एक नया फीचर दिया गया है लाइव फोटोग्राफी। आप लाइव पिक्चर जैसे कि आईफोन में लाइव पिक्चर बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। जियो टैगिंग है, टच फोकस है, फेस डिटेक्शन, पैनोरामा, HDR भी बनाता है और 1080 पिक्सल की ये वीडियो बनाता है। इसमें बूके इफेक्ट भी है। बैकग्राउंड आप तस्वीर का ब्लर कर सकते हैं जैसा कि वाइड अपर्चर मोड बनाते हैं, वाइड अपर्चर मोड के ज़रिए से आप। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो भी ड्यूल है, एक 16 MP का और एक 2 MP का। फ्रंट कैमरा इसका ज़्यादा बेहतर है बैक कैमरे के नस्बत। फ्रंट कैमरे में भी सेम फीचर्स है, पोर्ट्रेट मोड है, लाइव फोटोग्राफी है। ये ड्यूल सिम है, ड्यूल सिम स्टैंड बाई है। एक ही सिम स्लॉट है जिसमें दो सिम नैनो लगा सकते हैं और मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट है इसकी, 256 GB तक ये सपोर्ट करेगा मेमोरी। रियर माउंटेड इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत बेहतर बनाया गया है दूसरे मॉडल की नस्बत। इसके अदर फीचर में इसका जो 8.0 इसका एंड्रॉयड वर्जन है जो कि अपग्रेडेबल है, और इसकी 3GB रैम है, 32GB इसकी इंटरनल मेमोरी है इसकी।
1080x2160 pixels का डिस्प्ले रेजोल्यूशन है, 407 ppi डेंसिटी है, उसकी वजह से इसका जो वीडियो प्ले बैक है वो बहुत ही आउट क्लास है। एक्सटर्नल OTG आप इसको लगा सकते हैं, USB ऑन दी गो सपोर्टेड करता है, 256 GB तक एक्सटर्नल OTG आप USB लगा सकते हैं इस पर। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक सिक्योरिटी भी मौजूद है इसमें। इसकी जो बैटरी टाइमिंग है 4000 mAh है, जो कि बहुत ही अच्छी है। इसमें फास्ट चार्जिंग तो नहीं दिया गया, लेकिन इसके जो चार्जर है 2 ampere का है, जो कि 2 घंटे में फुल चार्ज कर देगा इस बैटरी को। 4000 ampere की इसकी बैटरी है। इसके अदर फीचर्स में अल्ट्रा पावर सेविंग मोड भी है, जो कि बैटरी को कम कंज्यूम होने देता है। Pixel का इसका डिस्प्ले है, जिसकी वजह से गेम्स रिस्क नहीं करते हैं। कैपेसिटिव टच स्क्रीन है इसकी। आप इस मोबाइल का डिस्प्ले अपनी LCD पे TV पे भी देख सकते हैं, इसको वायरलेस डिस्प्ले कहते हैं। स्मार्ट व्यू भी बोलते हैं, स्क्रीन मिररिंग, वाईफाई डिस्प्ले, मिरर डिस्प्ले भी इसको बोलते हैं। आप इस मोबाइल में ड्यूल स्क्रीन डिस्प्ले कर सकते हैं, इसको स्प्लिट स्क्रीन मोड कहते हैं। एट ए टाइम 2 स्क्रीन पे आप काम कर सकते हैं, जैसे कि YouTube हो गया और नीचे कोई भी दूसरी स्क्रीन आप खोल के वर्क कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन लॉक भी है बिल्टन, आप जितनी भी एप्लीकेशन है उस पर लॉक लगा सकते हैं, प्राइवेसी लगा सकते हैं। जब हम ऊपर से नीचे इसकी स्लाइड बार करते हैं, उसमें शॉर्टकट्स रखे हुए हैं मेन फीचर्स के लिए, जैसे कि टॉर्च लाइट हो गई या फिर एयरप्लेन मोड हो गया, तो वाईफाई के लिए, मोबाइल डाटा के लिए। इसमें नोटिफिकेशन LED लाइट भी है स्क्रीन के अंदर, जब भी आपको मिस कॉल आती है, जब चार्जिंग पर लगाते हैं या मैसेज आता है और आप पढ़ नहीं सकते, तो वो आपको ब्लिंक करेगी लाइट। इसमें ट्विन ऐप मोड भी है, 2 एप्लीकेशन एट टाइम चला सकते हैं, जैसे कि फेसबुक ड्यूल चला सकते हैं, ड्यूल मैसेंजर चला सकते हैं। इसके जो डिस्प्ले के कलर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, स्मूथ डिस्प्ले है इसका। इसकी जो एक्सेसरीज हैं, इसमें आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा स्क्रीन पर लगाने के लिए, जो कि ग्लास नहीं है, पेपर का बना हुआ है। यूज़र गाइड है इसके अंदर, सिलिकॉन का बना हुआ बैक कवर है, ट्रांसपेरेंट है। दो एम्पेयर का इसका अडाप्टर है, जो कि फास्ट चार्जर नहीं है लेकिन बेहतर है। 2.0 चार्जिंग कनेक्टर वाली डाटा केबल है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।